एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट यून। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ITBP हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के बारे में। तो यहाँ पे ITBP की तरफ से हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँगी। साथ ही इसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है इसकी शॉर्ट नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये नोटिस जो है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से जो है वो जारी की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मेल की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल डायरेक्ट एंट्री फीमेल की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैकेंसीज़ की हम लोग बात कर ले तो इसमें आप देख सकते हो हेड कांस्टेबल डायरेक्ट एंट्री मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 135 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनकी टोटल 23 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 158 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन पर्सन के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है जो पहले से ही ITBP में सर्विंग पर्सन है, उनके लिए यहाँ पे टोटल 90 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो 100 रुपये रहेगा, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। अगर यहाँ पे हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हेड कॉन्स्टेबल डायरेक्ट एंट्री के लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 साल रहेगी। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे 12th मांगा गया है। अगर आपने 12th किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आपका टाइपिंग जो स्पीड है वो मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट। आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर। तो ये आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड रहेगी। उसके बाद हेड कांस्टेबल ओनली फॉर ITBP सर्विंग पर्सन के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रहेगी। इसमें भी आपका जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 जनवरी 2022 ही रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेंगे यहाँ पे, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है आपका सेम रहेगा। यहाँ पे बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, यानी कि आपका PET होगा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि PST होगा। उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहेगा। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें आप देख सकते हैं उसमें आपसे जनरल अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के लिए। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। और थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के लिए। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। 3 घंटे का समय आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। पेपर जो आपका होगा वो OMR बेस्ड यहाँ पर रहेगा। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन लैंग्वेज रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। बात करें इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा, टेंसेस पूछे जाएंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन भी रहेगा, अनसीन पैसेज भी रहेगा, सिनोनिम भी आपसे पूछे जाएंगे, वर्ब रहेगा, इरर करेक्शन रहेगा, एंटोनिम से भी क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे वोकैबुलरी आपसे पूछा जाएगा, एडवर्ब रहेगा, ग्रामर के पोर्शन रहेंगे और idioms एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आपसे ज्योग्राफी, इंडिया और द वर्ल्ड से क्वेश्चन रहेगा, अबाउट इंडिया इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चरल हेरिटेज से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमी आपसे पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें आपसे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से क्वेश्चन रहेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, HCF LCM रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज की, तो इसमें आपसे
बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एमएस ऑफिस से क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट यूजर से क्वेश्चन रहेगा, ईमेल राइटिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के लिए। तो ये आपके टॉपिक वाइज सिलेबस रहेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। आप चाहो तो आप इस सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पे जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है 77 सेंटीमीटर मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट इन कैटेगरी से आते हैं, इन स्टेट से आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, उनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगी, चेस्ट 76 सेंटीमीटर आपका रहेगा। बाकी जो एसटी कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, और चेस्ट यहाँ पे 76 रहेगा आपका। अगर बात करें यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके फॉर्म फिलअप जो है वो 8 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2022 आपका रहेगा। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई है वो प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई है। जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वापस से कन्फर्म करा दूंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आए आप लोगों को सबसे पहले पता चल पाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।